नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बार की भी एक्टिविटी मैं जो करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंसेज को, आपने देखा होगा जैसे एक मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे कॉन्वेक्स लेंस आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके ऊपर ऐसा कोई रैपर नहीं होता है। जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है लेंस डबल कॉन्वेक्स ऑप्टिकली ट्रू फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कई बार आपको लेंसेज दिए जाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि उनकी फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ पता लगाने का सबसे आसान तरीका जल्दी से मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत शॉर्ट वीडियो में। तो करना क्या है हमको, अगर पता लगाना है कि रफली फोकल लेंथ कितनी है, एकदम एग्जैक्ट हो सकता है बिल्कुल ठीक आपकी ना आए लेकिन आप लगभग लगभग करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो हमारे लेंसेज होते हैं जनरली जो प्रैक्टिकल में यूज़ किए जाते हैं वो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऐसे करके होते हैं। यानी कि आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ इतनी है। फिर आप स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट के जरिए जो भी क्लास 12th में होते हैं आप उनकी पार्टिकुलर वैल्यू एग्जैक्ट क्या है वो आप पता कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं इसके बात करूं तो जो इधर के मेरे तरफ जो बाईं ओर है वहां पर मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जब इनफाइनाइट से लाइट रेज आती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज होकर वो कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। और वो उससे हमने मैंने उसको पता लगाने के लिए यहाँ पर एक स्केल लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं 30 सेंटीमीटर का स्टील का स्केल है। एक स्क्रीन के तौर पे मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये बॉक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर एक लेंस का स्टैंड रखा हुआ है और मेरे पास दो लेंस रखे हैं जिनमें से एक लेंस में जो निकालूंगा उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करता हूँ कि ऐसे 20 सेंटीमीटर वाले लेंस को निकालता हूँ बाहर, फोकल लेंथ वाले को, और इस तरीके से मैं थोड़ा इसको साफ़ करता हूँ और साफ़ करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे पुट कर देता हूँ। पुट करने से आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए एक आपको इमेज दिख रही है, बड़ी सी इमेज दिख रही है, यानी कि जो मैंने सामने बल्ब लगाया है उसकी इमेज इस स्क्रीन पर बन रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा इसको आगे खिसकाता हूँ स्केल पर और देखता हूँ कि सबसे एक बिल्कुल आपको मालूम कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, एकदम शार्प छोटी सी इमेज बनेगी और जैसे ही वो हमको मिल जाएगी मैं बिल्कुल स्टैंड को वहीं पर रोक दूंगा और वही हमारी रफली फोकल लेंथ होगी, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसको, देखिए अभी छोटी हुई थी अभी अचानक से बढ़ने लगी। मैं थोड़ा सा इसको पीछे ला रहा हूँ यहाँ पर और देखिए वापस बड़ी हो गई है। अब मैं ध्यान से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और जहाँ पर ये एग्जैक्टली जो है जाकर एकदम शार्प इमेज मिलेगी इसको मैं वहीं पर रोक दूंगा। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर पर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। तो मैंने आपको थोड़ा करीब से यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार फिर से, देखिए बिल्कुल शार्प इमेज आपको दिख रही होगी इसकी। और अब मैं देखता हूँ कि हमारी पोजीशन क्या है, मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम करता हूँ हल्का सा, और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारा जो स्टैंड की पोजीशन है इस समय वो बिल्कुल 20 सेंटीमीटर के करीब है, लगभग 20 सेंटीमीटर पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक शार्प इमेज आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए दोस्तों, आपने देखा कितनी शार्प इमेज आपको मिल रही है, मैं थोड़ा सा घुमा कर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एकदम शार्प इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ये देखिए थोड़ी सी ऊँचाई में करता हूँ, स्टैंड ठीक करता हूँ कैमरे का, ये देखिए बिल्कुल शार्प इमेज आपको मिल रही है। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपने देखा जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का पता लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाया और ध्यान से देखिए इसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू है फोकल लेंथ वो लिखी 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक था। घर पर ट्राई करिए, बहुत आसान है करना, बस एक बल्ब लेना है एज अ लाइट सोर्स, उसको प्रॉपर एक दूरी पर रखिए, ऐसा लगे जैसे इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है। सामने आपको स्टैंड में लेंस रखना है, एक स्क्रीन वाइट कलर के लीजिए, एक स्केल लगाइए और बस देखिए कि कहाँ एकदम साफ और एकदम शार्प इमेज मिलती है, बस वहीं पर आप उसको रोक दीजिए और आप मेजर करिए, आपको एक रफली फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो आज की एक्टिविटी मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सिंपल सी बहुत छोटी सी एक्टिविटी थी। फिर से मिलूंगा एक नई एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें
वास्तु भ्रमण, साइंस एक्सप्लोरर, ऐसी अन्य कई सारी एक्टिविटीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।